स्वागत है सिलाई विद टैलेंट पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी पफ स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, मैं एक स्लीव्स की आपको कटिंग करके बताऊंगी। ये मेरी एक स्लीव्स है। पहले हम लेंगे अपनी बाजू की लंबाई। लंबाई मैंने 10 इंच ली है। 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए अब हमें नीचे से भी अपनी बॉडी नाप का भी निशान लगा लेना है। इस तरह से हमारी बॉडी जितनी होगी उतने पर निशान लगाकर अब यहाँ से हम इस तरह से मार्क करते हुए 2.5 इंच आगे लेते हुए इस तरह से अब हमें इस तरह से इधर भी 10 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से अब हमें 2.5 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करेंगे। इस तरह हम अपना आर्मोल की गुलाई लेंगे। इस तरह से आर्मोल की गुलाई लेते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर आर्मोल का निशान बना लेना है। इस तरह से अब हमें अपनी पफ जो बनानी है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा, जो मैंने लिया है 8 इंच। आप जितनी पफ भारी रखना चाहते हैं आप उतना ही फालतू कपड़ा ले सकते हैं। अब इस तरह से हम अपने नीचे आर्मोल की तरफ निशान लगाते हुए निशान को पूरा कर लेंगे। ये हमने 2.5 इंच का निशान है, वहाँ पर हमने इसको जाकर लगा दिया। अब हमें निशान को नीचे की तरफ मिला देना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से हमें एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा निशान लगकर तैयार हो गया है। अब हम कटिंग करते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी पफ स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आइए अब हम चलते हैं सिलाई पर। मैं आपको बताऊँगी इसकी सिलाई किस तरह से करते हैं। अब हमें 8.5 पर निशान लगा लेना है। यहाँ तक हमारी प्लेट्स आएंगी। इस तरह से हमें यहाँ पर कट लगा लेना है और एक कट हमें 20 सेंटर में भी लगाना है। इस तरह से और अपनी बाजू को खोलते हुए इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे। जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ पर हमें छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स लगाते जाना है। इस तरह से प्लेटों को हमें ऊपर की तरफ इस तरह से लगाते जाना है। नीचे की तरफ हमें नहीं लगानी है प्लेट, ऊपर की तरफ लगाते हुए इस तरह से। मैंने इस इधर से भी ऊपर की तरफ लिया है तो हमें इधर से भी ऊपर की तरफ ही प्लेट्स लगानी है। ये हमारी प्लेट्स लगकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें बाजू को नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब हमें बाजू को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से बीच सेंटर में एक निशान लगा लेना है। इस तरह से ये मैंने बीच सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब हमें एक निशान और लगाना है, जो कि हमें लगाना है 1 इंच की दूरी पर। इस तरह से ये हमने 1 इंच की दूरी पर निशान लगा लिया है। इधर की तरफ भी हम 1 इंच की दूरी पर ही निशान लगाएंगे और इस तरह से उठाकर हम इस तरह से प्लेट्स लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी प्लेट्स लगा लेंगे। ये हमने प्लेट्स लगा ली है। अब हम इस तरह से ऊपर की साइड कोई भी लेस ले लेंगे और लेस को इस तरह से ऊपर की तरफ अटैच कर देंगे। हम लेस के ऊपर एक सीधी सिलाई और चला देंगे। ये हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी रेडी कर लेंगे और अपने ब्लाउज या सूट में लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।